On our program today, we have a very special guest. He's an educationist who is changing the landscape of education in Uttar Pradesh. We are delighted to have on our program today the founder and managing trustee of SRMS, Shri Dev Murti. Welcome to the program. Thank you, ji. Namaskar. Sabse pehle to yehi, what is SRMS about? Shri Ram Murti Smarak Trust. Named after your father. Mere pita ji, Swargi Shri Ram Murti ji, Sunta Senani. यूपी में 18 साल मिनिस्टर रहे भूदान मूवमेंट से भी जुड़े रहे भी जुड़े रहे जी जी पार्लियामेंट के मेंबर रहे उनकी डेथ के बाद उनकी स्मृति को चेताई रखने के लिए 1990 में इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी और तब से हम लोग समाज के कार्यों में खास तौर से पहले स्कॉलरशिप शुरू करी और यूपी में 1994 में सेल्फ फाइनेंस स्कीम में एजुकेशन को प्रमोट किया गया और इस्तीफा के ट्रस्ट ने पहले ही साल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए एआईसीटी में अप्लाई किया उसको अप्रूवल मिला तो सबसे ट्रस्ट एजुकेशन लाइन में प्रवेश किया और 95 में बरेली में श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई Why education? ये जो trust है ये कोई और काम भी तो कर सकता था तो education की तरफ क्यों गए? मेरे father जिम्मेदार भी थे और उसके बाद जिम्मेदार evolution में he was leader to कि ये जिम्मेदारी खत्म हो उसके बाद जब वो MLA थे या minister थे तो उन्होंने education पे हमेशा ध्यान दिया और उन बच्चों को जिनको पढ़ नहीं सकते थे उनको उस जमाने में आईआईटी में पढ़वाना मेडिकल में पढ़वाना उनको स्कॉलरशिप देके उनको पढ़वाते थे तो उन सबके बच्चों का ध्यान रखना हमेशा मेरे फादर मैंने अपने घर में देखा कि बहुत से लोग जिनको हम लोग अपने बड़ा मानते थे वो उनके द्वारा ही प्रमोट किए गए उन्हें हायर एजुकेशन करी पूरे यूपी के कैनाल की प्लानिंग मेरे फादर के जमाने की अच्छा तो पूरी क्योंकि वो एजुकेशन में कई 12 साल मिनिस्टर रहे इंडस्ट्री में रहे प्लानिंग में रहे एजुकेशन में मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे हो उन्होंने संपूर्णानंद जी के साथ मिनिस्टर को भी मतलब पंत जी के साथ रहे तो पंत जी के साथ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर से लेके सुजा कृपलानी जी और सीबी गुप्ता साहब सबसे साथ चीफ मिनिस्टर रहे तो इसलिए उनका एक हमेशा ये रही कि एजुकेशन अगर है तो सब लोग अच्छा कर सकते हैं क्योंकि जहां पर जिस देश में एजुकेशन इंजीनियर ज्यादा होंगे वहां पर प्रोग्रेस होगी डेवलपमेंट होगा यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत कम मात्रा होती थी पहले 94 से पहले सिर्फ 800 लोग ही यूपी में इंजीनियरिंग कर पाते थे क्योंकि रुड़की यूनिवर्सिटी जो कि अब आईआईटी में कन्वर्ट हो गया वो भी शामिल था तो इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा लोग यूपी के साउथ जाते थे क्योंकि साउथ बहुत बड़ा एक मील का पत्थर था इंजीनियरिंग एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में जब ये कॉलेज शुरू किया या ट्रस्ट शुरू किया तो आपकी पूंजी बहुत थोड़ी सी थी बहुत थोड़ी मेरा एक मिनी शुगर प्लांट हुआ करता था मैंने उसको बेचा और उसके रुपए भी इसमें लगा दिए और रुपए कम बढ़े तो मेरे पास एक साहब आए कि देवमूर्ति जी मैं 50,000 डोनेट करना चाहता हूँ और आप इसको नौकरी दे दो तो मैंने कहा नहीं रुपए डोनेट मत करो तुम एफडी बना दो 1,00,000 रुपए की और आप ताज्जुब मानेंगे मुझे उसमें 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए जो 1,00,000 आए थे लोगों को नौकरी थी नौकरी मिली आज श्री राममूर्ति स्मार्ट ट्रस्ट में 6,000 आदमी काम करता है तो एक बहुत बड़ा परिवार हो गया है ये एक ट्रस्ट परिवार है जिनकी सबकी मदद से 95 जर्नी शुरू करी आगे बढ़ते हैं बरेली जो शुरू करके लखनऊ में पहुंच गए और वहां भी इंजीनियरिंग कॉलेज एक मैनेजमेंट कॉलेज है अभी अभी ट्रस्ट ने डायग्नोस सेंटर एक खोला है जिसमें लाइफ साइंस पे है पैड स्कैन है न्यूक्लियर मेडिसिन है पूरा एमआरआई भी लगाई है 3 टेस्ला 48 चैनल साइलेंट मोड जो सीमेंस की पहली हिंदुस्तान में आई है उसके बाद और भी आ रही है बट जो हमेशा ये कोशिश करी ट्रस्ट ने कि जो बेस्ट इक्विपमेंट है जो पढ़ाई में हो या रिसर्च में हो या मेडिकल में हो
वो जरूर ट्रस्ट के पास हो, जिससे बच्चों को एक्सपोजर होगा, जब एक्सपोजर होगा तभी कुछ आगे कर पाएंगे। आप लोगों में प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं? बहुत ज्यादा, हैंड्स ऑन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री वांट, राइट, रिलेशन बिटवीन, मतलब हमेशा हम लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि जो बच्चा पास होके जाए तो बहुत जल्दी कंज्यूम कर लिया जाए इंडस्ट्री में, तो प्लेसमेंट की तरफ भी ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा। मतलब हम मेरे इस बार जो प्लेसेबल स्टूडेंट है, मतलब प्लेसेबल मैं उसको मानता हूँ जो प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि 25-30% बच्चे वो हैं जो एमटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, हाई स्टडीज में जाते, वो आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, जो सिविल सर्विसेज जाते हैं वो मैं प्लेसमेंट नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको हाई एजुकेशन करनी है जी। और जो बाकी बच्चे हैं उसमें जो एलिजिबल हैं उसमें इस बार 98% अभी तक प्लेसमेंट हो चुका है, और जो रह गया है उनके भी प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, भी खत्म नहीं हुई है। ज्यादातर जो हम एजुकेशन देखते हैं उसमें बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पे बाहर की कंट्रीज में देखा जाए तो। इंडिया में हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो किताबी ज्यादा है और प्रैक्टिकल कम है, तो हाउ डू यू काउंटर दिस इन योर एजुकेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास अभी अभी अमेरिका से भी एक ग्रुप स्टूडेंट का मेडिकल कॉलेज में देखने आया, दे वर शॉक कि हमारे यहाँ के बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्लिनिकल एक्सपोजर उनको बहुत ज्यादा है, उनसे बहुत ज्यादा है। तो एक 20 लोगों का ग्रुप था और वो 10 दिन रुके भी, तो मेडिकल में जितना हम लोग एक्सपोजर देते हैं या इंजीनियरिंग में इक्विपमेंट भी देते हैं उतना और मुल्कों से कोई कम नहीं देते यहाँ पर, खासतौर पे जैसे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल पीजी स्टूडेंट्स हैं, यू इंश्योर दैट दे वर्क इन योर हॉस्पिटल, डोंट यू? यस, दे हैड टू वर्क 100% 24 आवर्स। अच्छा, मतलब पीजी की जो एमसीआई रूलिंग है वो है कि 365 x 3 ईयर, जिसमें से 12 कैजुअल मिलेंगे, बाकी कोई लीव नहीं मिलेगी। यू हैड टू वर्क, यू हैड टू इज ए ट्रेनिंग, एजुकेट टीचिंग नहीं, इज ए ट्रेनिंग ऑन ह्यूमन, जो हमारा हॉस्पिटल तो ह्यूमन लैब मानते हैं कि वो ह्यूमन लैब है, उनको ही उसको सीखना है, क्योंकि सीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसआर हैं, जो उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा, ऐसे ही टीचिंग में भी जो हमारे एमटेक स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग में, वो उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे यू हैव टू ऑपरेट द इक्विपमेंट। आपकी जो फैकल्टी है बहुत यंग है, इज दिस समथिंग यू हैव प्लान्ड? इज वेरी गुड, यंग जो है वो लेटेस्ट है। वो बिल्कुल ताजा है, कहते ना कि हाँ। उसने चाहे वो उसने पीएचडी करी हो, चाहे एमटेक किया हो, या एमडी एमडी एमएस जो भी किया है, आप अगर देखें तो याद करें कि 90 से पहले अल्ट्रासाउंड नहीं होता था जी, बिल्कुल सिर्फ एक्सरे डिपेंडेबल था, सीटी एमआर नहीं होता था, ये सब चीजें बाद में शुरू हुई, इसलिए इस तरह का जो यंग ब्लड है दे आर मोर एक्सपोज, उनको रिस्क लेने की हिम्मत होती है, एक एज के बाद आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता। दैट्स क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जो यंग ब्लड है दे वुड रादर गो इनटू अ प्रोफेशन देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू टीचिंग, आपको नहीं ऐसा लगता? प्रोफेशन में या तो अपना यूनिट खोलना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो उनमें फैकल्टी की कमी हमेशा ही सामने हमेशा रही है, जो वो भी अच्छे लोगों की, देखिए हमेशा जो क्लास के टॉपर होते हैं वो इंडस्ट्री में जाते हैं, मगर जो मीडियोकर्स होते हैं, जो हम जिनको 20 के होंगे, जो ना बुरे हैं ना बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा एजुकेशन टीचिंग में आते हैं एंड दे आर वेरी गुड। वो उनको उनका सोच वही है, उनकी थॉट वही है कि आई हैव टू बी इन एजुकेशन, तो दे प्लान फॉर द एजुकेशन, दे हैव टू टीच, दे वॉन्ट टू टीच, दे आर कम्फर्टेबल, क्योंकि एजुकेशन में कम्फर्टेबलनेस बहुत है, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं है कि आपको ये असाइनमेंट है इतना करना ही है, या कंपेटिटिव स्पिरिट नहीं है जी। वो आपको यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी अपडेट एवरी डे। बट आर देयर एनी काइंड ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज दैट यू ऑफर द फैकल्टी कि वो एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा भी आप कुछ करते हैं? इंजीनियरिंग में तो करते हैं, मेडिकल में भी करते हैं हम लोग कि वो रहे। अब आप देखिए जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसको इतनी फैसिलिटीज हैं कि वो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए या मेरे यहां मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है, ही इज अर्निंग
similar, and he is enjoying the industry benefit, institute benefit, leaves hai. उसको महीने साल में चार महीने की छुट्टी जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, उसको चार महीने छुट्टी, उसको कवरेज है कि अगर आज आप छुट्टी पे हैं तो दूसरा आदमी कवर कर रहा है. उसके साथ आपको एजुकेशन लीव अलग मिलती है, आपको अपग्रेडेशन लीव मिलती है, आपको नए इक्विपमेंट पे जो आप नहीं खरीद सकते हैं. अगर आप अपना खोलेंगे तो आप नहीं खरीद सकते, बट इंस्टीट्यूट है तो बिल्कुल लेटेस्ट पे आपका एक्सपोजर हो रहा है. और कितनी सेमिनार्स इंटरनेशनल होती हैं या आप स्टेट लेवल की करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है. जो लेटेस्ट ट्रेंड होते हैं वो आप किताबों नहीं पढ़ते, वो सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज में जाके सीखते हैं. जो एक और इसका पहलू वो रिसर्च है, खासतौर पर मेडिसिन में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी रिसर्च कंटिन्यू हो. तो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज? हम लोग ने रिसर्च सेंटर बनाया है. अच्छा. और अभी हिंदुस्तान में इसमें हम लोग थोड़ा कम, इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा और इंसेंटिव लेना चाहिए और रिसर्च करा रहे हैं, बट जो लेवल होना चाहिए वो अभी थोड़ा कम है. इसमें थोड़ा प्रमोशन प्राइवेट ट्रस्ट को भी करना चाहिए जो पुराने हो गए, और जो गवर्नमेंट उन्हें भी करना चाहिए. गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे हम एम्स की बात करें उनमें तो रिसर्च बहुत एडवांस लेवल पे होती है. एम्स जो ये एम्स टाइप इंस्टीट्यूट है जी, मतलब जो गवर्नमेंट और हॉस्पिटल है वहाँ रिसर्च फैसिलिटी बहुत कम है. वहां पर डेली वर्क इतना है कि क्योंकि उनको पूरा कम्युनिटी को देखना है तो उस लोड को ही नहीं पूरा हैंडल कर पाते हैं. जहां ओपीडी आपकी 8,000 10,000 5,000 की है तो डॉक्टर्स वही करें, इसके बाद नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं तो दे आर मोर इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज देन द रिसर्च वर्क. सी, वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इज बिकॉज इट्स चीपर. प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो फीस होती है बहुत ज्यादा होती है. तो आपका तो हॉस्पिटल भी है, उसमें आप किस तरह से ये देख रहे हैं कि जो एक आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो आप तक पहुंच सके? मेरे यहाँ 2200 2000 की ओपीडी है. अच्छा. और जिसमें 1800 से 1900 लोग हमेशा मध्यम और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग आते हैं. अच्छा. जिनको ट्रस्ट 5 रुपए का पर्चा बनता है जी. जो 2 दिन के 3 दिन का वैलिड है, और उसमें ट्रस्ट की तरफ से सारा डायग्नोज जो कमजोर वर्ग है उसको फ्री है, दवाइयां फ्री है. इसके साथ ट्रस्ट एक योजना इंश्योरेंस देता है, कवर करता है, उसको योजना हमने कर रखा है मेडिकल समुदाय योजना. उसमें सिर्फ 1 रुपया रोज 365 रुपए लेते हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ को 50,000 की कवर देते हैं. उसमें उसका डायग्नोस पूरा, सारा इन्वेस्टिगेशन, सारी सर्जरी, यहां तक कि हम लोग कैंसर पेशेंट और जिसको कार्डियक अटैक पड़ जाता है एंजियो प्लास्टिक भी उसमें कवर करते हैं. और हम लोग उसका हमारे यहाँ उसके करीब 20,000 से ऊपर मेंबर बने हुए हैं, 20-40,000 को कवर कर रहे हैं. ये तो वो लोग हैं जो कि इस योजना में है. जो योजना में नहीं है उनको भी हम लोग जो पैकेज बना रखे हैं कि मेजर सर्जरी का 2200 रुपए का पैकेज, जिसमें दवाई, सर्जिकल आइटम, एनेस्थीसिया, ओटी चार्जेस, 7 दिन रहना, खाना, और उसके बाद उसमें सिर्फ उसको टोटल 2200 रुपए देने. तो एक मेडिकल कॉलेज या ऐसा इंस्टीट्यूशन अपने आप को सस्टेन कैसे करता है? ये जो क्योंकि पैसा तो चाहिए ना जी, जो हमें डोनेशन मिलते हैं. अच्छा. उस डोनेशन से और जो फीस है उससे. जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है उसका एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, वो होता है कैपिटेशन फी का. कैपिटेशन फी आप ठीक कह रही, बहुत जगह तो गवर्नमेंट ने इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं तो अब कैपिटेशन फीस तो खत्म होती जा रही है जी. क्योंकि मेरिट पे ही मैक्सिमम एडमिशन होते हैं. पहले एनआरआई एडमिशन होते थे, अब गवर्नमेंट ने एनआरआई को भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया, उसकी एक पॉलिसी अलग बनाई है, उनका अलग टेस्ट होता है. अब फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है, उसके जो क्रेडिट्स हैं वो हमारे इंडिया एमसीआई के नॉर्म्स में सेट नहीं हो पाते हैं. तो बहुत कम ही लोग हैं जो एनआरआई स्टूडेंट आते हैं, वरना मैक्सिमम हम लोग ने फीस भी इसीलिए जो हमारे खर्चा उस हिसाब से रखा है. हम लोग के यहाँ गवर्नमेंट में बहुत कम फीस है, अगर 50,000 है तो हमारे यहाँ 9 लाख रुपये की फीस जाती है. वो भी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपकी कॉस्ट आती है उतनी आपको देनी पड़ेगी. हम देखें तो हिंदुस्तान में आज भी मेडिकल एजुकेशन बहुत चीप है वर्ल्ड ओवर, अगर आप कंपेयर करेंगे.
जब हम इस तरह से बात करते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर तो लगता है कि बहुत कंपैरिजन में फर्क है, लेकिन एक आम आदमी जो सरकारी नौकर है, अगर उसने अपने बच्चे को एजुकेट करना है तो उसके लिए 9 लाख बहुत पैसा है, तो वो कैसे? गवर्नमेंट लोन भी दे रही है। मैंने आपको बता दूंगा, हम लोग ट्रस्ट ने स्कॉलरशिप स्कीम भी रखी है। अच्छा, जैसे अगर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है बच्चा तो उसको अगर 75% प्लस है तो उसको 20,000 मिलेगी, 80% है तो 35,000 मिलेगी, अगर 86 एंड अबव है तो जितना परसेंट है उतने 1,000 रुपीज मिलेगी। तो अगर उसने 87 है तो 87,000 साल के मिल गए, उसकी फीस पूरी निकल गई, क्योंकि 82,000 तो फीस है। पर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो मतलब स्टूडेंट को भी अपनी तरफ से तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेडिकल में भी हम लोग ने 2 लाख तक की स्कॉलरशिप स्टार्टिंग रखी है कि अगर आपकी 75 या इससे प्लस है तो आपको 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर उससे कम है तो आपको 1 लाख की मिलेगी, वरना 50,000 तक। मतलब यहाँ तक हम लोग रखा है कि बच्चे को कुछ मिले, इंसेंटिव हो, और जब आदमी में कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, जब स्कॉलरशिप मिलती है कि ये फ्री का रुपया मिल रहा है, उसको लगता है मेरी मेहनत क्या है, मैं आई कैन एंजॉय माय सेल्फ, तो एक सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी है कि बैंक लोन भी दे के आदमी अपने आप उसको रीपे कर सकता है। अब जीआर की तनख्वाह बड़ी अच्छी हो गई, दिल्ली में छोड़िए कि बहुत ज्यादा है, यूपी में भी 50,000-45,000 रुपए उसको महीने की सैलरी मिलती है। 45,000 रुपए आज भी बहुत है, उससे अपनी जो लोन है वो उसको रीपे कर सकता है। तो उसको ये तो दुनिया में, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर आप देखिए बच्चे पढ़ते भी हैं, नौकरी भी करते हैं और कमाते हैं, लोन भी लेते हैं वापस करते हैं। तो हम लोग, क्योंकि हमेशा एक कॉन्सेप्ट इंडिया का रहा है कि पेरेंट्स पढ़ाएंगे, बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चे को खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट वहां पर आप, मैं अमेरिका भी गया और जगह भी गया, सब जगह वो हाई स्कूल जो है उनका वो वहां तक तो पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, पर उसके बाद वो लोन से ही पढ़ता है। यहाँ भी उसको मेहनत करके लोन निकालना पड़ेगा और लोन लेके वो आगे पढ़ेगा। आपने नर्सिंग कॉलेज गर्ल्स के लिए खोला, उसके बारे में बताइए। नर्सिंग कोर्स जो है इससे बढ़िया लड़कियों को, 10+2 वालियों के लिए कोई इससे बढ़िया कोर्स नहीं है, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ 3 साल उनके 10 से 12 हजार की नौकरी शुरू होती है, और इतनी डिमांड है नर्सिंग की कि 2 साल बाद और 3 साल बाद जॉब के बाद एकदम से 20,000-22,000 की आपको। सो नाउ दिस इज डिप्लोमा इन नर्सिंग और डिग्री? दिस इज डिप्लोमा। डिप्लोमा, और आपकी फॉरेन में इतनी डिमांड है कि आपने अप्लाई किसी भी कंट्री में करेंगे आपको फॉरन उसका वीजा मिलता है जी। और अगर आप बाहर जाके कभी देखिए तो नर्सिंग की जो हैसियत है वो डॉक्टर ज्यादा है जी। यहाँ पर तो हम लोग तब भी इंडिया में नर्सेज ज्यादा काम करती हैं, वहां तो मैंने खुद देखा है नर्सेज डॉक्टर पे कमांड करती है। तो इसलिए बहुत शॉर्टेज वर्ल्ड ओवर जी। आज नर्सिंग की जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल करने में भी बहुत साल लगेंगे, बहुत क्योंकि हर जगह तो आपने बाकी क्वालिटी जरूरी है आपकी, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे मेडिकल हो या पीजी की हो, एमटेक हो, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, अगर उसको नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो रही है तो सब बेकार है, तो उसको 2 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी। एमबीए ऐसे भी हैं जिनको 5 हजार की नौकरी नहीं मिलती, एमबीए ऐसे जिनको 3 लाख और 5 लाख से स्टार्टिंग होता है। आपका जो एमबीए का कॉलेज है वो वन ऑफ द टॉप 25 इन इंडिया माना जाता है, सो व्हाट आर यू डूइंग टू इंश्योर दैट इट हैज दैट काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और इंटरनेशनल लेवल पर उसे माना जाता है? क्योंकि अगर आप मेरा बिजनेस स्कूल देखेंगे लखनऊ का और स्विट्जरलैंड का बिजनेस स्कूल देखेंगे, लगेगा कि उसकी रिप्लिका बना दी है मैंने जी। तो वहां पर जो चीज मैं वहां देख के आया, मैंने फैकल्टी इतना इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज बना रखे हैं कि उनके प्लेसमेंट, मेरे 3 बैच निकल चुके हैं, उनका 100% प्लेसमेंट हुआ है। एंड जो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है, जो ठीक है हर, जैसे हमारे 5 उंगली बराबर नहीं है वैसे सब बच्चे भी अगर है तो एक बराबर के नहीं होते, तब भी जो मिनिमम है उसको 20,000-22,000 CTC पे नौकरी मिलती है, कंपनी कॉस्ट कैश इन हैंड जिसे कहते हैं हम लोग, वो उतना उसको मिल जाता है। एंड जो अच्छे हैं
वो 70,000 लाख 1.5 लाख रुपए महीने 2 लाख रुपए तक के पैकेज में महीने के उसमें जाते हैं. व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्वमेंट इन योर एमबीए? यूपी में वर्ल्ड बैंक स्कीम आई थी जी, जिसमें इंडियन यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए लोन दिया गया था. तो उसमें श्री राम मूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज को भी सेलेक्ट किया गया और सेल्फ फाइनेंस में सिर्फ 2 ही कॉलेज सेलेक्ट हुए थे. एक मैदा एक यूनाइटेड इलाहाबाद का था और मैंने उनका पूरा लोन लिया. उसमें सब्सिडी ये थी कि आपको लोन तब मिलेगा जो सब्सिडी कि जब आप उसका टाइमली पेमेंट करेंगे. तो मैंने सब्सिडी भी अवेल करी और मैंने 2 साल पहले वो लोन भी रिपे कर दिया जो शेड्यूल टाइम था उससे 2 साल पहले उसको रिपे कर दिया था. तो उसमें हम लोग के जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ही इक्विपमेंट वाइज बहुत अपग्रेड हो गए क्योंकि एकदम से 18 करोड़ मिल जाना जिसमें 4% इंटरेस्ट देना हो इससे सस्ता लोन नहीं मिल सकता. मैंने तो ये सोचा और उसके बाद अगर हर चीज प्रॉपरली होगी तो आई विल गेट 25% सब्सिडी. तो वो अलग उसमें लोन भी नहीं इंटरेस्ट भी नहीं किया एंड वी गेट द सब्सिडी. सो यू रियली नीड अ बिजनेस ब्रेन टू रन एनी काइंड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. यस, एंटरप्रेन्योर होते हैं एंटरप्रेन्योर होते हैं लोग मगर एजुकेशन में यू हैव टू मेक सरप्लस बट यू टू री इन्वेस्ट इन दैट. वैसे समुद्र में जैसे हम लोग गहराई नहीं नाप पाए वैसे एजुकेशन की कोई गहराई नहीं नाप पाएगा. हम लोग सेंसर की बात करें 6th जनरेशन के रिसर्च चल रहा है, एयर की तैयारी हो रही है. तो हम लोग हर चीज तो इतनी फास्ट रिसर्च चल रही है और हम ये कहेंगे हम ये पूर्ण है तो पूर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता. एजुकेशन में हमेशा अपूर्ण रहेगा. ही हैज टू डू बेटरमेंट एवरी डे. यू हैव बीन पर्टिकुलर अबाउट एजुकेशन ऑफ वुमेन इन यूपी. एक तरफ तो नर्सिंग कॉलेज है, देन यू हैव द इंजीनियरिंग वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज जी. और ये बड़ा सैड एक्सपीरियंस था. लड़कियां कहती हैं कि सर हमें नौकरी लड़कों के साथ करनी है तो वाई एजुकेशन इन ओनली फॉर वुमेन. दैट्स अ पॉइंट. उनका बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और बहुत जेन्युइन पॉइंट भी है. वो कहते हैं आप अगर हम पहले से शुरू में हाई स्कूल लड़कियों के स्कूल में पढ़े इंटर भी पढ़े तो मिक्स कब होंगे और करनी नौकरी उन्हीं के साथ टीम जब बनेगी तो 5 की या 6 की टीम में 3 लड़कियां होंगी 3 लड़के होंगे. बिल्कुल. तो अगर हमें एक्सपोजर ही नहीं होगा तो हम लोग अच्छे एक ग्रुप नहीं बनेगा. तो मैंने खोल क्योंकि AICT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रमोशन था कि वुमेन्स के लिए अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रमोट किया था. उसमें मैंने यूपी में खोला. आज इत्तेफाक से मैं ही चला रहा हूँ यूपी में, बाकी सब बंद हो गए. अच्छा. क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं. अच्छा. लड़कियों की वो कुवैत में मेरे स्कूलों में दे टू मच डिमांड. हम नहीं सबको ले सकते अच्छे क्योंकि वहां पर कट आउट हमारा 78-79 पे खत्म हो जाता है. वो भी है क्योंकि हम लोग अपना टेस्ट कराते हैं और गवर्नमेंट से बच्चे अलग मिलते हैं जो SEE होता है जी. बट वुमेन में बहुत ही कम बच्चियां लड़कियां ये कह रही हैं कि हमें मिक्स कॉलेजेस में पढ़ना है. ये तो बहुत अच्छी बात है. जो जितने भी सेमिनार होते हैं वो कॉमन होकर इसीलिए कुछ चीजें जो हम लोग कॉमन करते हैं दोनों इंटरेक्शन बना रहे ये ना रहे कि ये बिल्कुल अलग हो जाए. एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन की तरफ आप इतना ध्यान दे रहे हैं इसके बारे में और बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. विल बी राइट बैक. Today is Mr. Dev Murti and we are talking to him about education especially in UP. Dev Murti ji, humne higher education ke bare mein to bahut baat ki lekin Uttar Pradesh mein aapko kya lagta hai ki education ka jo standard hai wo kya hai is waqt? Hum log kahin kamzor hamari niche se kadi hai. Bacche ko jo ek ye har ek ko ek naya kanoon ho gaya ki har ek ko promote karna hai wo ek to galat hai. आठवीं तक तो एग्जाम ही नहीं होंगे. मतलब जिसको ABCD नहीं आती है उसको कैसे हम फर्स्ट में या सेकंड में प्रमोट कर दें क्योंकि वो उसका बच्चे का और उसके पेरेंट का बिल्कुल माइंड सेट है कि मेरा बच्चा 8th तक पास हो ही जाएगा. तो वो एक गलत चीज है. उसके बाद हाई स्कूल में जो क्रेडिट A+ और A ग्रेड है वो भी खत्म करके कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए क्योंकि जो बेसिक्स है वो खत्म होते जा रहे हैं. लेकिन जहां कॉम्पिटिटिवनेस आ जाए वहां हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत टेंशन है. छोटे छोटे बच्चों को भी हाइपरटेंशन होनी शुरू हो गई. देखिए टेंशन तो एक सोच है. अच्छा. ये कोई बीमारी तो हम लोग खुद अपने आप पैदा कर रहे हैं कि मैंने कहा टेंशन और
आदमी कंफ्यूज है इसलिए टेंशन है, उसने अगर कुछ काम ही नहीं किया तो टेंशन अपने आप आ जाती है. तो टेंशन को आप उसको एक, मैं कहता हूँ एक फैशन हो गया, इज नॉट ए डिजीज नॉट इज ए फैशन. उसको टेंशन हो गई, अब मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर है. मतलब आप काम कर रहे हैं तो प्रेशर है, नहीं कर रहे हैं तो प्रेशर है. मतलब मेरे हिसाब से बच्चे को एक जो हाई स्कूल है, इंटर है, एट तक तब आना पास होना चाहिए. तो उसको उतना आता हो कि एट तक तो आए. मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इंजीनियरिंग के भी बच्चे आते हैं और मेडिकल में भी बच्चे आते हैं. दुर्भाग्य उनका, उनके पेरेंट्स का खासतौर से, क्योंकि अब हर पेरेंट को लगता है कि मेरे बच्चे को टॉप करना चाहिए और उसके अगर 90% भी है तो लगता है कम नंबर ला रहा है. बिल्कुल, क्योंकि आजकल आप अगर एडमिशन्स की कट ऑफ लिस्ट देखिए 100% तो ये कैसे पॉसिबल है. मतलब हिंदी में अगर 98 नंबर पाना ऐसा लगता है मैथमेटिक्स में पा सकता है क्योंकि उसमें स्टेपिंग पर नंबर मिलता है. लेकिन लिटरेचर में हिंदी इंग्लिश में 98, 99 ऐसे नंबर मिलने फायदा क्या है. मैं एडमिशन करता हूँ, कितने बच्चे आते हैं जो उनके पांचों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है. मैंने भाई तुम्हें ऑनर्स कितने सब्जेक्ट में मिला, उसको ये नहीं मालूम कि उसे डिस्टिंक्शन कितने नंबर में मिला है. तो क्या ये कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोई फ्लॉ है? ये फ्लॉ इसलिए मैंने कहा कि उसको यही नहीं मालूम है कि उसने लिखा क्या है और उसको नंबर क्यों मिल गए इतने. मतलब जो नंबर बट रहे हैं, नंबर अब उसकी क्वालिटी में नहीं मिल रहे हैं. और क्योंकि घर वालों का जो प्रेशर है कि हर एक को 90% प्लस होना चाहिए, 96% होना चाहिए, 97% वाले मेरे यहाँ वो सबली में खा जाते हैं. 98 वाला वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही रुक जाता है क्योंकि उसको पास होना जरूरी है. उसने उसकी, मैंने कई बार बच्चों से इंटरेक्ट किया, मैंने पूछा तुम लोग इतने बढ़िया इंटर में नंबर लाए तो आपने क्या किया. अगर आप, मैं बड़ा एक छोटा सा आपको जवाब दे रहा हूँ, यदि आप किसी की मार्कशीट देखिए तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के नंबर होते हैं. 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है. और 30 में उसको 30 मिलते हैं या 29 मिलते हैं, और प्रैक्टिकल में उसको 70 में या तो 35 मिलते हैं या 40 मिलते हैं या 45 मिलते हैं. वहां उसको 100% मिल रहा है, वहां उसको 50% या 60% मिल रहा है. जो बच्चे को मिलने थे 65% एवरेज आता वो उसके हो गए 85. फिर वो कंफ्यूज होता है कि मैंने इतने बढ़िया नंबर किए, पर उसका क्या है कि उसने उसकी उसका जो टाइम इंटर में बेसिक पढ़ने का था उसने इंटर पढ़ा ही नहीं, वो कोचिंग में लग गया. पेरेंट्स ने उसको या इंजीनियरिंग की या मेडिकल की कोचिंग में लगा दिया. तो हाई स्कूल के बाद वो इंटर कम पढ़ता है, एमसीक्यू ज्यादा पढ़ता है और उसे एमसीक्यू में फंसा रहता है. उसको बेसिक क्लियर ही नहीं होती, वो मेंटली फ्रेम उसका सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से बन जाता है कि चार में ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है. पर जो बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो बिल्कुल सफा हो जाते हैं. ये जो सिस्टम है जहाँ कोचिंग हो या ट्यूशन्स हो, ये अगर स्कूल्स में बेसिक एजुकेशन में अगर आपको ठीक तरह से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए दो चीजें होंगी. आज स्कूलों में आप जाइए तो वहां पर जो नंबर है जी वो 70-80, एक फैकल्टी 80 बच्चों में कैसे उसको मॉनिटर कर सकती है जी. पहले मैं लखनऊ में कॉलेज तालुकदार का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने पूरा बेसिक एजुकेशन वहीं से करी. तो हमारे क्लास में 20 या 21 बच्चे अगर हो जाते तो हम लोग कहते भीड़ हो गई क्योंकि 20 की आदत होती थी, 20 से ज्यादा कभी बच्चे हमने देखे ही नहीं अपने क्लास में. तो टीचर 1-to-1 इंटरेक्ट करता था, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी. आज जब 80-70 बच्चे हैं तो उसने फैकल्टी कॉपी भी नहीं जांच पाती है और वो गलत लिखे तब भी उसको टिक हो जाता है तो वो कोचिंग में जाता है. और कोचिंग में और बुरी हालत है, वहां तो 80 थे, यहाँ 100-150-200 बच्चे होते हैं कोचिंग में. तो ऐसे में वो सिर्फ कंफ्यूज हो गया बच्चा, अंतः वो कहीं का नहीं रह जाता. तो नंबरों की भीड़ में एजुकेशन रोज खो जा रही है जी, मतलब मेरे हिसाब से तो भारत सरकार को अपनी नींव, मतलब बेसिक पहले फर्स्ट एजुकेशन जहां प्राइमरी कहते हैं वो सही करनी चाहिए. बेसिक, फिर हायर, फिर प्रोफेशनल. ये सब एजुकेशन में प्रोफेशनल तो अपने स्टैंडर्ड पे चल रही, मगर जो उसको क्राउड मिल रहा है वो उस लेवल का नहीं आ रहा. और इसके साथ जो एक और पहलू है वो ये है कि हम जो टॉप 98-100% मार्क्स वालों की तो बात करते हैं,
लेकिन जिनके पास परसेंट है, मैं कहता हूँ सबसे बड़े वही बच्चे होते हैं. मैंने देखा जिनके 60-70% नंबर होते हैं वो उनके अपने नंबर होते हैं. जी कॉमर्स में मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बीकॉम भी किया, एमकॉम किया. मेरे पूरे बैच में एक आदमी फर्स्ट क्लास होता था, एक या दो तो मतलब ही नहीं थे, मतलब ही नहीं थे और सब सेकंड ना बढ़िया, सबकी नौकरियां बढ़िया लगी. The other thing that seems to be wrong with our education system right now is the question of ethics and morality. There is no ethic, no moral. Moral is sikhana hi band ho gaya. Hum log jo na to ghar mein parents ko samay hai, kyunki unko is yug mein apne ko survive karne ke liye subah shaam tak lage hain aur bacche uska kabhi galat use bhi kar rahe hain. Ji main kehta hu parents ban gaye ATM, एनी टाइम मनी, क्योंकि वो उस कमियों को पैसा देके पूरा करते हैं. और जबकि वही देखिए कोचिंग भेजा, अगर पेरेंट्स अपने आप कुछ बेसिक पढ़ा दें, क्योंकि सब पढ़े लिखे आजकल, माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं, जब दोनों सर्विस कर रहे हैं तो नॉलेज तो है. वो अपने 8th के बच्चे को भी अपना समय नहीं दे पाते, वो 10th के बच्चे को भी नहीं दे पाते. जो डॉक्टर्स हैं वो अपने बच्चों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक अगर पहले सिखा दें तो उनके बेसिक क्लियर हो जाए. तो कौन से बेसिक जो होता है ना सर, जैसे ब्रेन है क्या है उसको समझाने 10 मिनट में कोई समझाना चाहेगा बड़े अच्छे से समझा देगा. जी मैथमेटिक्स में लॉज है तो वो आराम से समझाया जा सकता है, बट वो इतना प्रॉब्लम में हो गए बच्चा पार्टी तो उसको कोई सिखाने को तैयार नहीं. एंड ऑल्सो क्या है, नाउ वी टेंड टू यूज कैलकुलेटर्स, तो जो बेसिक गुणे थे वो नहीं लोग करते, टेबल्स थे वो सब भूलते जा रहे हैं. कैलकुलेटर चाहिए उसको, पॉइंट की तो बात है, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर पाते. एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर देयर एनी स्टेप्स, आर यू टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप्स व्हिच मेक दिस काइंड ऑफ एजुकेशन इंटरैक्टिव, कन्विंस देम कि बी ऑनेस्ट बी एथिक, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखो. हम लोग हर इंस्टीट्यूशन में मंदिर है तो हम लोग उस बहाने कुछ हवन ये सब करते रहते हैं, जिससे उनका कुछ इंटरेस्ट हो वो भी इन्वॉल्व. दशहरे का मेला होता है तो बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं, रावण फूका जाता है, दिवाली होती है उसका फंक्शन होता है, हम लोग यहाँ हनुमान चालीसा हनुमान जी का वो पाठ करते हैं. मतलब बच्चों को इसलिए बना रखा है, हम लोग उनके कल्चर एक्टिविटीज भी कराते हैं कि फुल डेवलपमेंट के लिए उनको स्पोर्ट की उनके एक मीट कराते हैं, कल्चर एक्टिविटी कराते हैं, उसके जो इन बिल्ड जो आदमी के बच्चे के अंदर एक अपने में एक गुण लेके आता है हर बच्चा, वो उसके उभारे. क्योंकि जो उसमें छुपा रहता है, हर बच्चे में टैलेंट है, ऐसा भगवान ने किसी को नहीं पैदा किया कोई ना कोई टैलेंट ना दिया, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, चाहे स्पोर्ट हो, कुछ ना कुछ जो उसको हमें सिर्फ ब्रशिंग करनी है, उसको प्लेटफॉर्म देना है. ड्रामेटिक इतने बढ़िया ड्रामा करते हैं बच्चे, नुक्कड़ नाटक, कभी कभी ऐसा लगता है कि आंख से आंसू आ जाए, इतना बिल्कुल दिल को छू देने वाले ड्रामे करते हैं. हम ईद भी मनाते हैं जी, हम बैसाखी भी मनाते हैं, गुरु नानक जी की बर्थडे भी मनाते हैं और हिंदू त्योहार भी मनाते हैं, ताकि एक एक सेक्युलरिज्म का भाव हो, मिला मिल के काम करें. हम लोग हॉस्पिटल में एक प्रेयर रूम बना रखा है जिसमें सब धर्म के भगवान लगे हुए हैं और हर आदमी अपनी वहाँ पर कोई लोग जो पेशेंट अटेंडेंट्स हैं वहाँ बैठ के अपनी सब दुआ तारीख के करता रहता है. और एक आज के जमाने में जो प्रधानमंत्री कहते हैं योग पे जो दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है. देख अगर आदमी रोज एक 5 मिनट 10 मिनट योग आसन में बैठेगा, और आपके इंस्टीट्यूट में तो योग के लिए खास जगह बनाई हुई है उसमें उसको कराते हैं, मतलब मगर आदमी अवॉइड करता है. मैं तो कहता हूँ जो प्रोफेशनल में है एजुकेशन में है चाहे वो इंजीनियरिंग करें, क्योंकि उनको वर्क प्रेशर होता है, उनको बाउंड होता है, टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम में करना है. जैसे मैं अपने डॉक्टर से कहता हूँ कि लेट मत आओ, 5 मिनट में तुम जिंदगी ले बचा सकते हो, या तुम्हारी गलती से 5 मिनट अगर तुम लेट आए तो जिंदगी जा भी सकती है. क्योंकि अगर टाइमली आपने ट्रॉमा हैंडल कर लिया तो बंदा बच जाएगा, और ट्रॉमा अगर लेट आप 10 पहुंचे तो उसकी प्राण निकल जाएंगे. तो इसलिए लेट का शब्द होना ही चाहिए डॉक्टर प्रोफेशन में, चाहे वो बीटेक हो. मैं हमेशा बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ, आप ट्रेन का टाइम है 10 बजे छूटने का, अगर 10:02 पहुंचोगे ट्रेन तुम्हें नहीं मिलेगी. सही बात है, बिल्कुल सही कहा. तो वैसे आप डॉक्टर आप 10 आपको पेशेंट आया आपको कॉल आई है, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे
तो पेशेंट तो चल देगा, सही बात, वो नहीं रुकेगा, उसको तो भगवान ले जाएंगे, जो आप बचा सकते हो। यू आर बिटवीन भगवान एंड पेशेंट, के बीच में आप एक दीवार बन के खड़े होके यू कैन सेव देम। जब आपने ये ट्रस्ट शुरू किया तो सबसे पहले पैसे जमा करने के लिए पीसीओ का बिजनेस शुरू किया जी। नहीं, वो तो उसके एक एम था, ये स्कॉलरशिप है मैं इस अमाउंट से दूंगा। हाँ। मैं अपने बिजनेस को नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहा था, तो उसके बाद तो अब मैं उस जमाने तो मैंने 11,000 शुरू करी थी, आज मैं 2 करोड़ स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, तो अब और मींस हो गए, तो उस मींस से दी जाती है। एंड जिस दिन मैं 2 करोड़ मेरे बच्चे पहुंच जाएंगे, इसको मैं इंस्टेंटली 3 करोड़ कर दूंगा, क्योंकि स्कॉलरशिप इज ए प्रमोशन कि दे मस्ट डू हार्ड वर्क। इस एजुकेशन से मैंने आप देखा ना, एजुकेशन ट्रस्ट का रुपया वैसे ही हो जाता है मंदिर का खजाना होता है, जो मंदिर के यूज में आना चाहिए। ये इससे बड़ी विद्या का मंदिर है, और इसका जो भी रुपया है, जो भी अगर सरप्लस है, सरप्लस आएगा, अगर नहीं आएगा तो हम डेवलप नहीं कर सकते, हम नए इक्विपमेंट नहीं ले सकते, हम नई जो टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर रोज हर साल में इक्विपमेंट ऑब्सोलीट हो जाते हैं, हर रोज एक नया एक कल्चर शुरू हो जाता है, नए इक्विपमेंट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। हम लोग ने अभी एक आईसीयू वार्ड बनाया, पूरा विंग बनाया है 42 बेड का, बरेली जैसे रिमोट एक्सटेंशन में, जहां पर पहले जब मैंने हॉस्पिटल खोला था पल्स ऑक्सीमीटर से ही मॉनिटरिंग होती, कहा जाता है कि आईसीयू कल्चर है वो। आज SRMS श्री राम मोदी मेडिकल कॉलेज का जो आईसीयू है, हिंदुस्तान के 6वें और 5वें नंबर पे आता है, वो स्टैंडर्ड का आईसीयू बना के दिया है कि आप लोग कोई भी अगर पेशेंट है उसको पूरी सुविधा वहां पर उपलब्ध है। जो आजकल क्योंकि मेडिसिन में इतने एडवांसेस हो रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस दे कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू टेलीमेडिसिन। यस, हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर भी है जी, हम लोग विलेजेस को टेलीमेडिसिन से SP के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने टेलीमेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। हम लोग बहुत गांव से रिमोट एरिया से, वहां पर एक पैरामेडिकल का इंसान रहता है और एक डिस्पेंसर रहता है, दवाई देता है, और वो पेशेंट से दवा पूछ के, बीमारी पूछ के बोलता रहता है, उसको बताते रहते हैं, एंड जिनको लगता है कि दवा में ट्रीट नहीं हो रहा उनको वहां से लिफ्ट भी कर लेते हैं हम लोग, बसें भेज के उनका फिर यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। मैं आगे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक लेडी थी उसके लखीमपुर की, उसने 30 साल से उसने देखा नहीं था, ही वॉज नियर अबाउट 75-80 ईयर, और कुछ नहीं, 2 ड्रॉप दवा डाली गई, उसकी आंखें खुल गई। अरे मतलब वो चिपकाने कैसे चिपक गई थी, तो उसको उसको किसी ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाया, और 30 साल तक वो देख नहीं, 30 साल बिना, मतलब वो इतना रोई, उसने वहां से अपने पैसे खर्च के हॉस्पिटल में आके हर एक को दुआएं दी, पैर छुए कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। अच्छा, कहा जाता है कि वंस अ पॉलिटिशियन ऑलवेज अ पॉलिटिशियन, लेकिन आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके छोड़ दी। मैं पैदा हुआ तो मेरे फादर में कहते हैं जींस में पॉलिटिक्स है, ही वॉज ए मिनिस्टर इन UP गवर्नमेंट, मैं 54 में हुआ, वो 51 से मिनिस्टर है। तो आपके लिए पॉलिटिक्स छोड़ना कितना मुश्किल था या कितना आसान? सिर्फ एक सोच की बात थी, क्योंकि मैंने जो एजुकेशन स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी, मैं क्रिश्चियन कॉलेज में यूनियन में रहा, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया तो वहां यूनियन के सेक्रेटरी रहा, फिर मैं बरेली में रिक्शा तांगा यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, पर एक सोच थी कि कुछ करना है, एक डेडी एक कौन सा अपने संकल्प मैंने अपने से लिया। क्योंकि मेरे फादर के लास्ट डेज थे, बीमारी में उनको बहुत इल ट्रीटमेंट मिला, बड़े में कोई फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि ही वॉज एक्स पार्लियामेंट मेंबर, तो उनको हमने लिफ्ट करके दिल्ली लाए, वो एयरफोर्स ने हमें सपोर्ट करी, पर उस दिन मैंने अपना संकल्प किया मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं जरूर सेवा दूंगा कि बरेली लोगों को दिल्ली या लखनऊ ना जाना पड़े। आज बरेली में इसीलिए वो जो पॉलिटिक्स, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, तो शायद भगवान को मुझसे ये कराना था, तो उसने वहां से हटा के मुझे इस काम में लगा दिया। तो इस काम में जहां आपको भगवान ने लगाया और इतनी ऊंचाई तक आप इस संस्था को लेकर आए हैं, इसका अगला पड़ाव आप क्या देखते हैं? इसी में नई चीजें, अब सुबह हमारे अभी सुबह स्पेशली की एजुकेशन नहीं है जी, हम लोग इस टाइम बरेली का सेंटर जो कार्डिक सेंटर है हमारा, हम यूपी में
किसी में नंबर वन सेंटर होता है, कभी 250 एनजो प्लास्टिक पर मंथ कर रहे हैं एनजो, इसके अलावा वॉर रिप्लेसमेंट प्लेस मेकर. तो हम लोग का जो फैकल्टी हमारे पास अब कार्डिक में 2 प्रोफेसर हो गए, तो हम अगली स्टेप में सुपर स्पेशलिटी डीएम एमसीएच के पढ़ाई भी शुरू करने जा रहे हैं. ये तो बहुत अच्छी सोच है. हम लोग का पीजी में एनाटॉमी से लेके रेडियोथेरेपी तक हमारे पास सारे डिपार्टमेंट में पीजी है, तो उसमें वही बचता है जो, क्योंकि हम लोग एफिलेटेड कॉलेज है. तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में पीएचडी भी बच्चे यूपी टेक्निकल से कर रहे हैं, मेडिकल के भी लोग अब पीएचडी, मतलब डॉक्टर तो लिखे पर पीएचडी डॉक्टर भी साथ में करेंगे. हमारी भी यही उम्मीद है कि जिस तरीके से आप अपने इंस्टीट्यूशंस के जरिए एजुकेशन को इतना महत्व दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, ये यूं ही सिलसिला चलता रहे. हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबका नमस्कार. दूरदर्शन.